नमस्कार, मैं प्रिया। आज 17 अक्टूबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों में। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने निकाली रिक्तियां। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने हॉस्पिटल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर, सीनियर डीओटीएस प्लस सुपरवाइजर के विभिन्न पदों के लिए आवेदन की मांग की है। समिति की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार यह रिक्तियां 122 अलग अलग पदों के लिए निकाली गई हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता की पूरी विस्तृत जानकारी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं। साथ ही बिहार हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर 31 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर देवकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बाबा दुधेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर कुंड से कुछ दूरी पर सहस्त्रधारी के किनारे है, जहां पहले भगवान श्री राम और बाद में चैवन ऋषि ने पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि देवकुंड वो धरती है जहां भगवान श्री राम गया में अपने पितरों को पिंडदान करने के पूर्व ही भगवान शिव की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। बाद में महर्षि चैवन ने उसी स्थल पर अपनी तपोभूमि बनाया और वर्षों तपस्या की। 500 वर्षों पहले बाबा बालपुरी ने चैवन ऋषि के उसी आश्रम में साधना की और हवन करने के बाद जिंदा समाधि ले ली। तब से उस कुंड की अग्नि आज तक प्रज्वलित है। बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार कई दिनों से उनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसके बाद उन्हें हफ्ते भर में पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालांकि कपिल देव कामत को पहले से ही किडनी की परेशानी काफी ज्यादा थी, जिसके बाद ही उन्हें वेंटिलेटर पर लंबे समय तक रखा गया था। मंत्री कपिल देव के जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मंत्री के असामयिक गुजर जाने मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है और कपिल देव जमीन से जुड़े नेता थे। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार ने ऑनलाइन क्लास पर दिया जोर। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार ने बीते दिन ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में जैसे ज्यादातर स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है, साथ ही जिन भी स्कूलों को खोला गया है वहां भी नाममात्र छात्र ही उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा विभाग, बिहार और दूरदर्शन ने अलग अलग कक्षाओं के लिए कोर्स मटेरियल को टेलीकास्ट किया है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर 2 तक के विद्यार्थी के लिए दोपहर 3 से 4 बजे तक क्लास करवाई जाएगी। कक्षा 3 से 5 तक के लिए 4 से 5 बजे तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए सुबह 9 बजे से 8 बजे तक, कक्षा 9 से 10 तक सुबह 11 बजे से 12 बजे और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 10 से 11 बजे तक कक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1062 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 201,887 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 48, अरवल में 7, औरंगाबाद में 41, बांका में 23, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 50, भोजपुर में 12, दरभंगा में 6, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 17, गोपालगंज में 26, जमुई में 13, जहानाबाद में 15, कैमूर में 1, कटिहार में 33, खगड़िया में 5, किशनगंज में 21, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 24, मधुबनी में 25, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 28, नवादा में 36, पटना में 226, पूर्णिया में 50, रोहतास में 17, सहरसा में 72, समस्तीपुर में 17, सारण में 23, शेखपुरा में 9, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 11, सिवान में 8, सुपौल में 19, वैशाली में 14, पश्चिम चंपारण में 21। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत कुल मिलाकर 1,87,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 967 लोगों की जान जा चुकी है। गोपालगंज जिले के अभिषेक कुमार यादव का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जूनियर क्रिकेट मैच में हुआ चयन। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले जूनियर क्रिकेट मैच के लिए गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के मिश्रौली गांव के निवासी अभिषेक कुमार यादव का चयन हुआ है, जिसमें कुल 20 क्लब भाग लेती हैं। वेस्टर्न रीत क्रिकेट टीम में हुआ है, जिसमें कुल 3 महीने में मैच होते हैं, जिसमें 12 वनडे 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। हम आपको बता दें कि अभिषेक अभी तक बिहार अंडर 17 स्कूल क्रिकेट टीम के उपकप्तान रह चुके हैं, वहीं इंडिया 16 स्कूल क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वहीं उनके काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले जूनियर क्रिकेट लीग के लिए बुलाया गया है। हम आपको बता दें कि अभिषेक कक्षा 10वीं के छात्र हैं। उनका पढ़ाई लिखाई का कार्य उनके गांव कोऑपरेटिव उत्तर माध्यमिक विद्यालय से होती है।
जदयू ने कई नेताओं को फिर से दिखाया बाहर का रास्ता। जदयू ने एक बार फिर से चार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू ने इससे पहले 15 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं बीते दिन जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया उसमें राजगीर के वर्तमान विधायक रवि ज्योति कुमारी, पूर्व विधायक रामचंद्र सदा, ललन भुइया और कैमूर के संगठन प्रभारी राजीव रंजन उर्फ राजू गुप्ता का नाम शामिल है। ये सभी नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पटना में खुल गए सिनेमा हॉल। देश भर में जारी कोरोना माहौल के बीच बीते दिन से राजधानी पटना के सिनेमाघर और स्विमिंग पूल को खोल दिया गया है। लगभग 7 महीने के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खोलने का आदेश जारी किया था। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब बिहार सरकार ने बीते दिन से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि कुछ नियमों का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत एक सीट खाली रखना, 50% लोगों को ही बिठाना, मास्क अनिवार्य करना, एक सीट छोड़कर क्रॉस मार्क लगाना, खाने पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहना, साथ ही टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नरेंद्र कुमार पांडे की। नरेंद्र कुमार पांडे का जन्म बिहार के सारण जिले में साल 1951 में हुआ था। नरेंद्र कुमार पांडे एक भारतीय सर्जन, अस्पताल प्रशासक और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के संस्थापक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2014 में चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करके सम्मानित किया गया था। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी समर शुरू होने से पहले ही बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते नजर आए हैं। हालांकि अब बेरोजगारी चुनावी मुद्दा बन गया है, जहां हर युवा बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया है, जिसके तहत ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जनता ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया तो बिहार में सबसे पहले 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। इसके अलावा उन्होंने उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में अच्छी सड़क उपलब्ध करवाने की बात भी कही है। पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जाएगी कई फेस्टिव स्पेशल ट्रेन। पूजा के दौरान यात्रियों के संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई फेस्टिवल ट्रेनों का परिचालन करवाया जाएगा, जिसमें भागलपुर, जम्मू तवी और गोरखपुर शालीमार के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही पटना वास्को डी गामा के बीच सुपर फास्ट साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 21 अक्टूबर से शुरू करवाया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने दी है और बताया है कि पूजा को लेकर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। आपको बता दें, त्योहारों को लेकर यात्रियों को आने जाने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। क्लोन ट्रेन के बाद अब विशेष फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीट शेयरिंग हुई फाइनल। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में सीटों का बंटवारा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में 104 सीटें, मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पाले में 80 सीटें, असुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 24 सीटें, समाजवादी जनता दल के खाते में 25 सीटें, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के पाले में 5 सीट और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट के खाते में 5 सीटें गई हैं। सीट बंटवारा फाइनल होने के साथ साथ गठबंधन उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी हो चुकी है। इसके साथ ही फ्रंट की तरफ से कुशवाहा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाई लव सिन्हा के लिए प्रचार करने पटना आएंगी सोनाक्षी सिन्हा, बांकीपुर सीट पर इस बार खास चर्चा का पात्र बन गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस सीट पर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को टिकट सौंपा गया है। वहीं उन्होंने बीते दिन पटना स्थित कार्यालय में नामांकन भर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी मां पूनम सिन्हा से भी आशीर्वाद दिया। वहीं खबरों की माने तो सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपने भाई लव सिन्हा के लिए प्रचार करने पटना आने वाली है, जिसकी जानकारी उनकी मां पूनम सिन्हा ने खुद दी है। मनोज झा ने सुशील मोदी को मिजोरम शिफ्ट करने की कही बात। राजस्थान सांसद मनोज झा आए दिन सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं उन्होंने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है, खासकर के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के शिफ्टिंग को लेकर उन्होंने अहम बयान दिया है। तेजस्वी यादव द्वारा नामांकन दाखिल में तथ्यों को छिपाने की बात सुशील मोदी ने कही थी, जिसको सुनने के बाद ही उन्होंने कहा कि श्री मोदी जी अपना सोचे। मनोज झा ने दावा किया है कि भाजपा ने तय कर दिया है कि बिहार चुनाव के बाद सुशील मोदी को मिजोरम का राज्यपाल बना दिया जाएगा। नीट के रिजल्ट की हुई घोषणा। नीट 2020 के रिजल्ट की बीते दिन घोषणा कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार नीट की इस परीक्षा में शोएब आफताब ने इतिहास रच दिया है।
हाल ही में घोषित नीट परिणामों और मेरिट सूची में शोएब आफताब ने 720 में से 720 का सही स्कोर बनाया है। शोएब ने केवल 100% का रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि वो नीट परीक्षा में टॉप करने वाले ओडिशा के पहले छात्र भी बन गए हैं। वहीं उन्होंने अपने इस सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है जो उनके हर कदम पर उनके साथ थी। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने लिया अहम फैसला। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेंटर परीक्षा तारीख का करीब एक सप्ताह में तीसरी बार विस्तार कर दिया है। पहले इस परीक्षा का आयोजन 14 से 21 अक्टूबर तक किया गया था जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 5 नवंबर तक विस्तार कर दिया गया था। नई अधिसूचना में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सेंटअप एग्जाम 11 से 19 नवंबर तक में आयोजित करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्व में जारी किए गए सभी आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। पैसे देकर वोट खरीदने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग दिखाएगा सख्ती। पैसे देकर या बल का इस्तेमाल कर वोट बटोरने वाले नेताओं की अब खैर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन करने वाले नेताओं पर शिकंजा कसने वाले हैं। फोटो और वीडियो के जरिए आयोग ऐसे नेताओं और पार्टी पर 100 मिनट के अंदर सख्ती से पेश आएगा। सिविल ऐप पर शिकायत के बाद जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की टीम संबंधित मामले की मॉनिटरिंग में लग जाएगी। इसके लिए आपको बस सी विजिल ऐप को डाउनलोड करना होगा जहां जाकर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग ने यह भी साफ कह दिया है कि शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने कमिश्नर और एडीएम के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही निर्वाचन आयोग ने बड़ा फेरबदल किया है जिसके तहत आयोग के आदेश के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों को पद से हटाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बक्सर जिले के एडीएम चंद्रशेखर झा को पद से हटाया गया, वहीं कोसी प्रमंड के कमिश्नर आईएएस के सेंथिल कुमार को पद से हटा दिया गया है। के सेंथिल कुमार 1996 बैच के सीनियर आईएएस अफसर हैं जिनका तबादला कर सामान्य प्रशासन विभाग में तत्काल प्रभाव से तैनात किया गया है। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी को दी संपत्ति जांच करवाने की खुली चुनौती। चुनाव से पहले ही संपत्ति को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव की तरफ से दिए गए संपत्ति के ब्यौरे पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने तंज के साथ साथ संपत्ति की जांच करवाने की खुली चुनौती भी दे दी है जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी भाजपा के हाथ में है, वह जो जांच करवा सकते हैं करवा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके हाथ में वर्तमान समय में सब कुछ है, जो चाहती है भाजपा करवा ले। उपेंद्र कुशवाहा ने 22 उम्मीदवार तो वहीं लोजपा ने 53 उम्मीदवारों के नाम की जारी की सूची। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार इनमें नौतन से नंदकिशोर प्रसाद, चनपटिया से संतोष कुमार गुप्ता, बेतिया से मोहम्मद शमीम अख्तर, हरसिद्धि से रमेश कुमार, केसरिया से महेश्वर सिंह, पीपरा से सुभाष कुमार सिंह, बेरसंड से ठाकुर धर्मेंद्र सिंह समेत 22 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही लोजपा ने भी दूसरी सूची जारी करते हुए 53 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने लोजपा को बताया वोट कटवा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीए से बाहर निकले लोजपा पर दो टूक निशाना साधा है जिसके तहत उन्होंने लोजपा पार्टी को वोट कटवा घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ये कहने से नहीं चूके कि लोजपा बिहार में भाजपा का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोजपा ने बिहार में अलग रास्ता चुना है। लोजपा और चिराग पासवान भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। बिहार चुनाव में भाजपा का ना तो कोई बी टीम है और ना ही कोई सी टीम है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में एनडीए के 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा भी किया है। दिनेश कार्तिक ने छोड़ी केकेआर की कप्तानी। कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक ने केकेआर की कप्तानी छोड़ दी है जिसके बाद अब इंग्लैंड के बल्लेबाज इयॉन मॉर्गन टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्तिक ने कहा है कि वो अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहते हैं। उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले लिया है। कार्तिक के कप्तानी छोड़ने के फैसले के बारे में केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि हम लोग उनके इस फैसले से हैरान हैं लेकिन हम उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान में नजर आएंगे जॉन।
शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में जॉन इब्राहिम नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म में अहम रोल निभाकर जॉन इब्राहिम भी दर्शकों का दिल जीतने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में जॉन विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। धूम में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके जॉन इब्राहिम एक बार फिर से विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। उनके इस रोल के लिए एक खास लुक भी तैयार किया जा रहा है। मुंबई मिरर की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार जॉन अपने नए किरदार को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,530 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,530 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.80 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कंप्यूटर में आसानी से रखे जरूरी दस्तावेज सुरक्षित। अब कंप्यूटर में भी आप आसानी से अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। एप्पल के मैक ओएस और विंडोज ओएस दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को इनक्रिप्ट करने के टूल प्रीलोडेड है। यूजर अपने आम अकाउंट और पासवर्ड की मदद से उसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूजर अपना दूसरा पासवर्ड सेव कर सकते हैं। एप्पल यूजर को अपने वॉलेट फीचर एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए आपको फाइंडर में जाकर इनक्रिप्ट का चुनाव करना होगा। वहीं विंडोज में आपको सेटिंग में जाकर इनक्रिप्ट का चुनाव करना होगा और इसे ऑन करना होगा, जिससे आप अपने दस्तावेज को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन कुमार, बिट्टू कुमार, प्रियांशु कुमारी, विपिन कुमार यादव, रंजीत कुमार, छोटू कुमार, दिनेश कुमार, सुबोध कुमार पटेल, मोतीलाल कुमार, मनोज यादव, अंजू कुमारी, सुकेश कुमार, नरेश कार्तिक, अमरेश कुमार, संतोष कुमार, दिनेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पलायन को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।